अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो ये कि स्प्लेंडेड अकाउंट्स के अंदर POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल को हम किस तरह यूज़ करते हैं। इसके लिए आपके पास POS का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, टर्मिनल और POS। हम POS पे क्लिक करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपके पास वो हर POS के साथ एक टर्मिनल की अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही होती है। यहाँ पर डिटेल भी लिखी हुई है कि टर्मिनल होता क्या है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आपने देखा होगा जब आप सुपर स्टोर द्वारा में जाते हैं वहाँ डिफरेंट टर्मिनल या डिफरेंट कैश काउंटर्स होते हैं, तो कैश काउंटर आप कह लें इसको या टर्मिनल कह लें वो अटैच करना पड़ता है। मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह बना सकते हैं। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैंने होम पे क्लिक किया तो मैं दोबारा होम स्क्रीन पे आ गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है, टर्मिनल पे क्लिक किया, जो मेरे पास टर्मिनल बने हुए हैं वो सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे मुझे कोई नया ऐड करना है टर्मिनल तो मैं इस पर आ जाऊँगा। मैं टर्मिनल का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, मैंने किस वेयरहाउस से टर्मिनल से स्टॉक आउट करना है वो कर लूँगा, मेरा कैश अकाउंट क्या होगा जिसमें मेरे पास कैश आएगा, और अगर मैं क्रेडिट कार्ड वगैरह की लाजमत इसमें से हमारे पास सपोर्ट है तो क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक कौन सा बैंक होगा जिसके ज़रिए आपकी ट्रांजेक्शन होगी, तो वो बैंक अगर आपने ऐड किया हुआ वो यहाँ पर सारे बैंक सारे होंगे, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। मैं POS पे आता हूँ दोबारा, मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया मैंने, तो अब टर्मिनल मेरे पास अटैच हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो मुझसे ये टर्मिनल का नहीं पूछेगा। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि आप स्कैन कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपकी कर्सर आया हुआ है, आप प्रोडक्ट स्कैन करते रहेंगे, आपके पास इस पोर्शन में प्रोडक्ट्स ऐड होती रहेंगी, उसके बाद आप पेमेंट पे आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं अभी स्कैनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मैनुअल बता रहा हूँ, तो मैं ये कैटेगरीज आ रही होती हैं आपके पास, मैंने अपनी रिक्वायर्ड कैटेगरी पे क्लिक किया, मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई, मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अगर मैं क्वांटिटी यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ये डिस्काउंट जो भी चीज़ें हैं मैं इसको फर्दर ऐड करता रहूँगा, क्वांटिटी मेरे पास ऐड होती रहेंगी। मैंने दूसरी प्रोडक्ट पर क्लिक किया, मैंने तीसरी पे किया, फॉर एग्जाम्पल मेरी जितनी भी मुझे ऐड करनी थी वो सारी आ गई। अब मुझे पेमेंट पे जाना है तो मैं उसके लिए पेमेंट का बटन आ रहा है आपके पास, आपने पेमेंट पे क्लिक किया। जब हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पे वॉकिंग कस्टमर यानी कि एक डिफ़ॉल्ट कस्टमर को हम सेट कर देते हैं जिसके नाम पे हमारी सेल जा रही होती है, हम चाहें तो कस्टमर चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट में हमारे पास कैश का ऑप्शन आ रहा होता है, हम कैश में वर्किंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, क्रेडिट नोट गिफ्ट वाउचर और भी हम कर सकते हैं जिसको आप लॉयल्टी कह सकते हैं, सेल रिटर्न भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखें अगर आपके पास एक कस्टमर से आप डील कर रहे हैं उसको कुछ टाइम लग गया है, कुछ उसने अपने पैसे या वगैरह चेक करने हैं कि पेमेंट कम हो गई है, तो आप यहाँ पे एक साथ तीन कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं। पहले कस्टमर को आपने होल्ड करा दिया, आप दूसरे पर आ गए, दूसरे के साथ आपने वर्किंग की, दोबारा फर्स्ट इनवॉइस पे आ गए, यहाँ पे आपने इसके साथ क्लियर किया, तो हम इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखें आपके पास जो कैश बन रहा है 3450, आप यहाँ पे मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं या इससे रिलेटेड देखें आपके पास डिफरेंट डिफॉल्ट में ऑप्शंस आ जाते हैं कि उसने आपको कितना कैश दिया है, 3500 दिया है, 4000 दिया, फॉर एग्जांपल इसने आपको 1000 रुपीज़ के फोर नोट दे दिए हैं, 4000 हो गए, आपने 4000 पे क्लिक किया, ये 4000 यहाँ पे आ गया, पेमेंट आपने रिसीव किया, चेंज वगैरह की डिटेल आ गई आपके पास। अब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं पेमेंट रिसीव के ऊपर, जब पेमेंट रिसीव किया आपने तो आपके पास डिफॉल्ट जो भी प्रिंटर अटैच होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे A4 मैंने अटैच किया हुआ है, आपके पास जो थर्मल प्रिंटर होता है वो होगा, तो देखें ये उसका एक डेडिकेटेड फॉर्मेट है, आपका ऊपर मोनोग्राम आ जाएगा और जो भी डिटेल है उसके साथ आपकी ये प्रिंटिंग हो जाएगी। मैं इसको अगर यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये डिफॉल्ट में प्रिंट पर चला जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट POS का प्रोसेस है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।